सबसे ये है स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और इंशाल्लाह ममन डैम से ये मुझे कह रहे हैं कि चेयरमैन वबडा कहते हैं बहुत महंगा होगा पानी उधर से ऊपर उठाना, लेकिन कम से कम पीने के पानी के लिए तो हम पूरी आपके लिए ममन डैम से आपको पीने का पानी देंगे। और ये जो आपने कहा कि बॉर्डर खुले, इंशाल्लाह ये तो मैं जाते साथ ही कोशिश करूंगा कि आपका बॉर्डर तजारत के लिए खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले। 3G 4G ये नौजवानों ये आपका हक है, ये मैं मुराद सईद आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि 3G 4G ममांदल और बाकी भी कबाइली इलाके में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लेके आए। तो ये फाटा में मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उन्होंने ये गुफ्तगू की है। हसन खान साहब सीनियर तज़ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़रा बात करते हैं कि अब फाटा की जो असम्बली में नुमाइंदगी हुई है उसके बाद असल मसाइल है क्या? हसन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं डिटेल में बाद में बात नहीं की अभी इस चंक के अंदर, मैंने एक इनिशिएट उनका ज़रा शॉर्ट सुनाया है और उसके बाद मैं इसी डायरेक्टली चंक पर आ गया हूँ। फाटा की असम्बली में नुमाइंदगी के बाद के असल मसाइल है क्या? क्या सिर्फ 3G और 4G और साफ पानी और बॉर्डर का खुलना तजारत, यही मसले हैं सर? देखिए मेरे ख्याल में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है अभी वो तो फाटा की जो स्टेटस है जो हैसियत है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है जाहिर बात है वो साल दो साल जिनकी मर्जर हुआ है उसके बाद एक पोलिटिकल जो चेंजेस हुए हुकूमत की तब्दीली आई है और ये हकूमत जो है मौजूदा हकूमत नो डाउट ये कोशिश कर रही है, जिस तरह आपने देखा कि वजीर आजम साहब जो है ये तकरीबन जितने भी जिले हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन मैं समझता हूं कि हर जिले में वजीर आजम खुद तशरीफ लेके गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मर्जर से पहले ये जिले जो थे ये बिल्कुल पोलिटिकली जो थे ये इग्नोर होते रहे। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने एक दो दफा बल्कि इससे ज्यादा दफा कैबिनेट की मीटिंग जो है मोहम्मद बाजवर और जो खैबर एजेंसी है वहां पे और मेरे ख्याल में कुरम या वजीर वहां पे इसने बाकायदा कैबिनेट मीटिंग जो है वो करवाए हैं, तो एक इंटरेक्शन तो हो रही है, लेकिन इसमें शक नहीं कि वहां के जो मसाइल है वो बहुत ज्यादा है। उसमें जो बुनियादी मसला वहाँ पे वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का था वो अभी भी जो है आप समझ ले कि एक नामुकम्मल चैप्टर है, मुकम्मल तौर पर वहाँ पे वो इंतजामी जो इस्लाहात थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसी तरह वहाँ का दूसरा बड़ा मसला था वहाँ पे पुलिस सिस्टम का, क्योंकि वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद और जो जरगा सिस्टम था वो खत्म होने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट किया गया था तो उसको फौरी तौर पर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से जो है उसको मुकम्मल होना था। और मैं समझता हूं कि आज तक जो है सिर्फ डीपीओ अपॉइंट करने से आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे पुलिस असलाहत मुकम्मल हुए हैं या हो गए, बल्कि मैं समझूंगा कि हार्डली 5-10% हुए हैं, कोशिश हो रही है। और तीसरी जो अहम इशू है वो जुडिशियल रिफॉर्म जो है, देखिए अभी भी किसी भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, जिस तरह पुलिस स्टेशन नहीं है इसी तरह जुडिशियल ऑफिसेस नहीं है। तो वो जो नियर बाय सेटल डिस्ट्रिक्ट थे पहले वाले वहां पे जैसे के बाजवड़ का जो है वो दीर में लगे हुए हैं, इस तरह खैबर का पिशावर में, इसी तरह मतलब है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में उसके तो ये चीजें हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला है वो वहां पे फाइनेंशियल जो जो लोगों को रोजगार और लोगों को एंगेज करना। अच्छा, यही मैं बात हसन साहब यही मैं करना चाह रहा था कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी रोड्स बनना, फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नौकरियां रोड्स और टूरिज्म, ये कितनी जरूरत है और वहां के आवाम इस बारे में क्या राय देते हैं? देखिए मेरे ख्याल में बुनियादी चीजें हुकूमत को हुकूमत ने जो प्रॉमिसेस किया है स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें अभी तक जो है उस पर खातिर खा अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखिए हुकूमत ने ये वादा किया था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए हम 10 साल तक जो है 3% जो है वो एलोकेशन होगी, लेकिन अभी तक उस नेशनल फाइनेंस कमीशन आ ही नहीं रहा है तो उसने 3 का मेरा और अभी तक हुकूमत ने उसमें वो नहीं किया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया था कि 10 साल में इसमें हम
जो है हर साल 100 बिलियन रुपीज जो है ना, मतलब 1000 बिलियन जो है हम इस पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिहैबिलिटेशन पे, उस पे हम खर्च करेंगे। लेकिन आपको पता है जो मौजूदा हालात है, बदकिस्मती से वैसे इतने भी खराब नहीं और इलाकों के लिए है, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी तक कोई स्पेशल फंडिंग उसकी हुई नहीं है। और जो ऑलरेडी हो रही थी वहां पे वो कैपेसिटी का भी बड़ा इशू है, क्योंकि आपने मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिक्योरिटी की ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप मोस्टली जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं वो मैंने सुना है, आई मे बी रॉन्ग, कि ऐसे जो मतलब है कि वो जो जी हुजूरी वाले किस्म के ऑफिसर ज्यादातर उनको प्रेफर किया जाता है वहाँ के मुकामी जो स्पेशली हमारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग है, ज्यादातर इख्तियारात उनके में होते हैं। ठीक है सर। और मैंने ये सुना है कि उसकी वजह से काफी मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, पुलिस रिफॉर्म्स में, और इस तरह फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में बड़ा फर्क पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हसन साहब, थैंक यू, सामने आ रहे हैं। थैंक यू सर, हसन खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं।